अरे कृष्ण, आपका स्वागत है। थोड़ा वेन्यू चेंज करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। इधर दो ऑलमोस्ट कल 24 घंटे से नहीं है, तो हमारा लाइब्रेरी का बैकअप चेंज करा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Krishna
मरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थोड़ा सा हम लोग को शिफ्ट करने में डिले हो गया, माफ करिएगा। तो हम सब 16वें अध्याय का ऑलमोस्ट 7 श्लोक पढ़ चुके थे। सार में बताइए 16वां अध्याय क्या चीज़ है, एक लाइन में बताइए, एक लाइन में पूरा 7 श्लोक अभी तक जो पढ़ा। बस देवी और असुरी जो हमने बहुत अच्छे चर्चा कर लिया, और कल मैंने कुछ ज़्यादा ही चर्चा कर दिया, चलिए 8वें श्लोक में जाते हैं, नहीं तो क्या होगा, हमारा अध्याय खत्म ही नहीं होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रभुपाद का फोटो किधर, एक रखा था ना वो उधर जो लेके वो इधर हो लेता। ठीक है, 8वां श्लोक खोलिए। तो अभी मैंने आपको कल बताया था 74वां क्या श्लोक है, असुरों के गुण है। 8वां क्या है, आइडियोलॉजी, उनका सिद्धांत। 8वें लोगों का सिद्धांत तो सुनिए क्या होता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्परा संभूतम किमत्न्यत काम है दुखम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। समझ रहे हैं? तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, वेदों से कोई एक लाइन उठा के बोलते देखो ऐसा लिखा है, तो हमको मानना नहीं चाहिए कभी भी। हमको पूरा परिपेक्ष समझना चाहिए, कंटेक्स्ट समझना चाहिए। अगर कोई ये श्लोक ले लेगा तो लोग देखो भगवान बोल रहे हैं कि ये दुनिया असत्यम है अप्रतिष्ठम है। भगवान किसके बारे में बता रहे हैं, असुर के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, मैकॉले और ये लोग ऐसे उठा उठा के हम लोग को गुमराह करते हैं। इसलिए अगर वेदों को पढ़ना है या गीता को पढ़ना है तो किससे पढ़ना चाहिए, एक प्रामाणिक भक्त से पढ़ना चाहिए, अन्यथा आप क्या हो जाइएगा, फंस जाइएगा। तो वे कहते हैं कि जगत मिथ्या असत्यम, वो क्या कहते हैं, ये जगत क्या है असत्यम, यानी दे कंक्लूड दैट द वर्ल्ड इज फैंटास्मगोरिया, यानी वो क्या कहते हैं, ये जगत है नहीं। इन वैष्णव दर्शन क्या कहता है, ये जगत है परंतु शाश्वत नहीं है। जिस तरह से आप इधर अपने अपने शाश्वत भाव को, यानी जीव का जो शाश्वत स्वभाव है, उसकी शाश्वतता को यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। जैसे आप दो पांव पे खड़े हैं, आपका पांव को क्या जरूरत है, प्लेन जमीन की जरूरत है। अब पता चला वहां पॉइंटर्स है सब जगह, तो अब चल पाइएगा सब जगह, एक यहाँ कांटा लगा है तो वहां कांटा, तो जाइएगा नहीं जा पाइएगा, तो नेचर मैच नहीं करेगा, बस इतना ही है। वैसे देखा गया तो संसार भी शाश्वत ही है, क्योंकि आती है जाती है, आती है जाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, आती है। आपको क्या करना है, आपको इस समझ जाना कि अनित्य है ये, और निकल जाना है। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं ना, वो आसुरी फिलोसफर्स की बात हो रही है, जो आसुरी फिलोसफर भी होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी आसुर बन जाएगा, उसका फिलोसफी का तभी बनेगा। वो कहते हैं संसार क्या है, असत्यम फैंटास्मगोरिया, मतलब ये है नहीं, बस आपको सपना दिखाई दे रहा है, जैसे आप सपने देखते हैं ना ऐसे। तो एक्चुअली वैष्णव दर्शन में भी हम इसको सपना मानते हैं, परंतु कैसे, ये है जैसे आप सो रहे हैं, आपको मन में कुछ सपना दिखता है, तो जो इंप्रेशन दिखते हैं वो कहीं थे तब ना बाहर आए। मतलब आपने क्लास टीचर को देखते हो, या आप अपने किसी पहाड़, आपके घर के पास एक पहाड़ था उसको देखते हो, या कुछ तो देखते हो जो पहले आपने देखा है और अनुभव किया है, तो इसका मतलब कहीं था तब वो आया। वैसे ही ये संसार है, परंतु भगवान की मायावी शक्ति है। जैसे
कुछ लोग है ना वो डेक ऑफ कार्ड से जादू करते हैं सर, लाइक ये पत्ते करते हैं और आप एक चुनिए, आप ही देखिए, आप ही साइन मारिए और ऐसा खुर्र कर देंगे और आपकी घड़ी के नीचे रहेगा है। तो इसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं? एक बार एक जादूगर ने किया था, एक आदमी को एक गाइस के अंदर खड़ा कर दिया था, एक बक्से ऐसा खड़े वाले में, और उसको तीन टुकड़े काट दिए और यहाँ इसका सर सर आवाज कर रहा था, इधर से हाथ बाहर आ रहा था और फिर यहाँ से पाँव। तो लोग बोले ऐसे कैसे हो सकता है, और जिंदा है। माने पता चला वो अंदर जाता था, अंदर से इधर से मुंडी निकालता था, फिर जब ये वाला कपड़ा खोलता था यहाँ से हाथ निकलता था, और जब ये कपड़ा ऐसा, और बाद में जब ऐसा करके जाता था तो उधर से उधर, पहला ऐसा वो लोग सेट रहता है। लेकिन आपके लिए वो इल्यूजन है, मतलब आपको क्या लगता है उसके तीन टुकड़े हुए, एक्चुअली तो तीन टुकड़े हुए क्या? नहीं, वो केवल आपको आंखों का भ्रम। तो ये वैसे ही ये माया जो है भ्रम क्रिएट करती है, लेकिन है ये अपनी जगह जरूर है, समझ रहे? तो इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, एक एक्सट्रीम चले जाते हैं, कहते हैं क्या ये संसार है ही नहीं, दैट देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, नो कंट्रोलर, नो पर्पस, कोई कॉज इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इसका कोई पर्पस है नहीं, एवरीथिंग इज अनरियल, ये सब अनरियल है। तो कहते हैं ये बेसिकली वन सोल फिलोसफर्स का, जिनका कहना कि एक ही आत्मा है, ब्रह्मन एक ही है। लाइक वो तो एक आचार्य एग्जाम्पल देते हैं, लाइक थिंकिंग शेल इज सिल्वर, जो शेल है ना वो सिल्वर की तरह चमकता है। तो हम लोग शेल को सिल्वर समझ के ले लेते हैं, वैसे बोले ये नहीं है लेकिन हम इसको ले लेते हैं, ऐसा उनका ओपिनियन। दूसरा गुण क्या है? अप्रतिष्ठम। दूसरा क्या है? अप्रतिष्ठम। दे से दैट द वर्ल्ड हैज नो बेसिस, ठीक है। प्रतिष्ठा यानी क्या? आधार। जो कहते हैं इसका कोई आधार नहीं है, लाइक फ्लावर्स इन स्काई। आपने आकाश पुष्प देखे नहीं होते, आकाश में कहां से पुष्प आएगा? तो देह से द वर्ल्ड हैज नो बेसिस, इसका कोई आधार नहीं है। अप्रतिष्ठम मतलब ये अपने आप, ओ इसको चांस थियरी बोलते हैं। लाइक डार्विन क्या बोलता है, मॉडर्न साइंस में आपको डार्विन का एग्जांपल मिल सकता है, बोलते हैं कि लेफ्ट 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स और 20 राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स एक साथ आए, पहला लिविंग सेल बना। जो कौन देखने गया था? तू। चलो तो बन गया, फिर उससे ये बन गया, उससे वो बन, खुद ही लिख रहे किताब में, लिख रहे मेरा स्पेकुलेशन है। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली चांस थ्योरी, ये कहते हैं कि एवरीथिंग केम बाय चांस। एक बार न्यूटन, न्यूटन थीस्ट था, भगवान को मानता था। न्यूटन के घर पे मॉडल था, ये लोग सोलर मॉडल मानते हैं ना, तो सोलर मॉडल था एक, उसका एक दोस्त था साइंटिस्ट, वो बोला रे बहुत अच्छा मॉडल है, ये कहाँ से बनवाया? बोले ना बाय चांस आ गया। तो बोला अरे क्यों मजाक कर रहा है, ये मॉडल कहाँ से लाया बता, मैं भी चाहता हूँ मेरे घर पे रखने के लिए। अभी बोला ना बाय चांस आ गया, अपने आप आ गया। तो बोले कैसे आ सकता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो बोले क्यों, अगर ये बाय चांस नहीं आ सकता तो वो बाय चांस कैसे बोलते थे तुम लोग, बड़ा वाला? इसको बाय चांस नहीं मान रहे और उसको बाय चांस मान रहे। तो पॉइंट ये है कि हमको मालूम होना चाहिए चांस थियरी जो है वो चांस उसके दिमाग में सिर्फ। तो ये डीमन लोग क्या करते हैं ना, भगवान को तो भगवान को डिनाई, इधर काटिका नहीं ना बात, भगवान को डिनाई करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग थियरीज निकालते रहते हैं। और इन थियरीज का फायदा क्या है, और एक थियरी सुन लो फिर बताऊंगा। अन ईश्वरः, दे से देयर इज नो गॉड बिहाइंड ऑल द कॉस्मोस। ये सब ठीक है, वो ये नहीं मानते, वो मानते रियल है। वो ये भी मानते हैं कि ये अपनी अपनी जगह घूम भी रहे हैं, मतलब इसका कोई ग्रेविटेशनल पुल वुल है। इन्हें बोलते गॉड वॉड नहीं है, समझा? ये क्लास क्या आ जाएगा, अन ईश्वरः। वैसे ये तीनों लिंक्ड है, आसपास में ही है। तीसरा कैटेगरी क्या है, अन ईश्वरः, दे डोंट एक्सेप्ट स्पिरिट एंड मैटर। वो ये नहीं मानते कि इसको चलाने वाला क्या है, स्पिरिट है, एंड एवरीथिंग इज मैटर। बोलते हैं कि ये वॉइड है, बेसिकली कुछ नहीं है, सब नल है, एनयूएल नल मतलब नल एंड वॉइड, कुछ नहीं है इसका। दे से गॉड
लाइक द वर्ल्ड इज मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ इल्यूजन, जैसे ये दुनिया इल्यूजन से बना है वैसे गॉड भी तुम लोगों ने बनाए हैं, गॉड है ही नहीं। क्या बोलते हो लोग? गॉड है ही नहीं। इफ देर वर एन एब्सोल्यूट गॉड ही वुड नॉट हैव क्रिएटेड सच एन इल्यूजरी वर्ल्ड। अगर एब्सोल्यूट गॉड था तो उसने इल्यूजरी क्यों बनाया? एब्सोल्यूट बनाना चाहिए था। इनका एलिगेशन सही है लेकिन उनको पता नहीं है कि उसने ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड बना हुआ है, तू छोड़ के आया। ये मतलब ये जो तू अगर इल्यूजन में है इसका मतलब तेरी औकात इल्यूजन की है तब तुझे डाला गया है। सिंपल है, इसे हमारा औकात पता चलता है। दे कंसिडर लाइफ एज ड्रीम विच हैज नो एग्जिस्टेंस बट आर एक्सपर्ट इन एंजॉइंग द ड्रीम। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग ड्रीम तो मानते हैं लेकिन इसको एंजॉय भी करना चाहते हैं। सो अनलेस वी अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड इट्स रियल नेचर टिल देन दिस एक्सपीरियंस विल बी देयर। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, आत्म तत्व को, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेगा। तो अब मुझे बताइए कि ये सारे थ्योरीज जो बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं ऐसे थ्योरीज? जैसे दे से दैट चाइल्ड इज सिंपली काम से आता है बोलते हैं। द चाइल्ड सिंपली इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ मैन एंड वुमन बॉर्न विदाउट एनी सोल, अपरस्पर संभूतम। बराबर है। बेसिकली वो चाहते हैं कि हमको कोई ऊपर में कंट्रोलर नहीं चाहिए, वी आर फ्री बर्ड्स। तो फ्री बर्ड तो है लेकिन बाद में कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ना तुझे। चलो भगवान तुम नहीं मानोगे, वो जब सुनामी लाएंगे ये सब लाएंगे तो तुझे तो मानना ही पड़ेगा। वो बारिश गिर रहे तो क्या रोक लेता है? कुछ नहीं रोक सकता। तो फिर तू कंट्रोल करने जाएगा तो तेरे में भी तो कोई असंख्य जीव है, तो हर कोई नहीं ना कंट्रोल करेगा, कोई एक ना कंट्रोल करेगा, उसका कंट्रोल तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारा तो ऑप्शन क्या है? लेकिन ये उनको बाद में रियलाइज होता है, लेकिन तब तक वो अपनी जवानी में हु केयर्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। वो हमको नहीं, माइकल जैक्सन ही गा के गया था एक्चुअली, वो बोल रहा था कि ये लोग हमका हमारी चिंता नहीं कर रहा, हम ये लोग मतलब डेमोक्रेसी वाले। तो बेसिकली आपने भगवान को डिनाई कर दिया तो आप इधर का राजा को डिनाई कर दोगे, फिर आप किसी को भी डिनाई कर दो, नहीं समझा? अब फिर आप जानते हो कि एक ही लाइफ है तो किसी को मार दो, तो मेरा कहना तू क्यों मारेगा, हम भी तुझे मार सकते हैं। ये फिलोसफी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। हम क्या कहते हैं, हम आत्मा है तो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मैं केमिकल हूँ तू भी केमिकल है, तो हम लोग नहीं बॉटल है बॉटल मिला के किसी बॉटल को फोड़ देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऐसा रहता था उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, उसमें वो ऐसा रहता फ्लास्क टेस्ट ट्यूब फ्लास्क, इसको तोड़ सकते हैं ना हम लोग। निर्जीव है तो तू भी निर्जीव है तो तुझे मार सकते, तू केस क्यों करते जाके? तेरे घर वाले जो सिर्फ केमिकल बॉडीज हैं वो जाके केस क्यों करते हैं? क्यों जाके न्याय मांगते हो? फ्रीडम क्यों मांगते हो? तो फ्री है ही ना पहले से। तो मैं तो कुछ ऐसे लोग, ऐसे जो लोग इनको नरबली कर दो, ऐसे बहुत सारे नरबली है, टाइगर वाइगर भूखे रहते हैं, तो तेरा ही क्यों सोचा जाए, तेरे को उठा के टाइगर को खिला दिया जाए, बराबर ना? तू ही क्यों जाके प्राणियों को खाएगा, तू भी तो हम तेरे को भी खिला देंगे, तो पाप हम तेरी फिलोसफी से कर रहे हैं ना। तू तो मानता है, तू मानता है कि मैं इंडिपेंडेंट, उठा के इसको खिला दो। नहीं 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 नहीं, बोले हाँ फिर ठीक है, बोल क्या है? बोले नहीं हम लोग आत्मा है, समझा? ऐसे कोई भी फिलोसफी बोलता है ना उसको बोलने का आर्ग्यू नहीं करने का। बोले ठीक, आप ये मानते हो क्या? आप ये मानते हो आप केमिकल हो? बोले यस आई एम केमिकल्स। बोले देन, बोले लिफ्ट दिस केमिकल बंच ऑफ केमिकल्स फॉर द टाइगर बंच ऑफ केमिकल्स एंड द टाइगर बंच विल कंज्यूम दिस बंच ऑफ केमिकल्स। बोले नो 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 नो, बोले व्हाई? देखो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इस बोल का, अभी समझो ये ऑब्जेक्ट लेना है, ये बॉटल है ठीक है, ये बॉटल लिविंग है डेड है? डेड है। इधर खड़े हो कैमरा में, खड़े हो यहाँ पे, यहाँ तुम्हारा पाँव दिखना चाहिए थोड़ा, हाँ ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा पैसा ही लगेगा। अभी आपको इसका पाँव दिख रहा है? इधर अंदर, इधर आओ, इधर आओ, आपके चरणों को मेरे पास लो, दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? डेड मैटर। अरे फिलोसफी, ये क्या है?
अगर आप कहते हो ये भी डेड मैटर है तो दोनों ने वही सिम्टम दिखाने चाहिए। अब मैं एक साथ दोनों को एक कमांड देता हूं, देखते कौन फॉलो करता है। जंप, ये जंप नहीं मारा, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका इनर्शिया है, ये जंप मार दिया, ये ग्रेविटी को ऊपर चला गया फिर नीचे है, ये क्यों नहीं गया? सिंपल, इसमें जंप बैठ जाए, वो घर से खाना का कहना बहुत जम करो पचवा रहे, ठेकुआ एक खा के आए, बात समझ में आया? तो अगर आप बोलते हो उतने मैं केमिकल ही हूं तो भाई तू जम तो मारेगा नहीं, तो ले चलते तुझे, वैसे भी बेचारा टाइगर लोग बहुत दिनों से भूखा है। कभी भी कोई फिलोसफी बोले ना उसी का लेके उसको काट दो, समझा? सिंपल फिलोसफी ऐसा चीज है ना, उसी के लेके उसका पूछ उसके मुंह में खत्म कर, तो बराबर वो ऐसे ऐसे फिलोसफी इसलिए डिवाइस करते हैं ताकि ताकि क्या हो, एंजॉय करें, ऐसे उनको लगता है, एंजॉय कर नहीं पाते अलग चीज है। मुझे एक सोसाइटी बताओ जो फुल फ्रीडम में और एंजॉय कर रहा है। आप यूएस बोलोगे लिबर्टी का सिंबल है, आधे से ज्यादा लोग तो भीख मांगते रहते और अपने घर का रेंट भरते रहते, उनको कोई $100 दे देना इतना खुश हो जाते, ओह माय गॉड $100, होमलेस भिखारी बन गए वहां पे लोग, तो क्या चीज का संपन्नता है आपके पास, आपके लोग घर ही नहीं है। हमारे यहाँ भारत में पागल से पागल आदमी भी रहेगा तो उसका चाचा मामा कोई संभाल लेते, उसको गलती से पागल भी पैदा हो गया कर्मों से तो संभालने के लिए लोग रहते। वहां पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेरो, आधे से ज्यादा सैड सॉन्ग्स है वहां पे, क्यों? सब दुखी है, या तो बेशरम है, अब उस बेशरम में भी आनंद कहाँ है ना भाई, आपको जॉय कौन देगा, रिस्पेक्ट कौन देगा? जो खुद ही खुद को रिस्पेक्ट देता है वो दूसरों को देगा, वो खुद ही अपने आप को केमिकल समझता है, तुम्हें क्यों रिस्पेक्ट देगा? सिंपल, इसलिए आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ वहां रिस्पेक्ट से बात नहीं करते, नाम लेके बात करते हैं। राज, राज तेरे से 4-10 साल बड़ा भी होगा तो ऐसे बोलेंगे, राज व्हाट्स गोइंग ऑन, हमारे यहाँ भैया कैसे हैं, हमारे यहाँ एक दिन भी बड़ा हो तो भैया बोलना पड़ता है, जगह चमाटा खींच के, हाँ भैया बोलो, घर वाले बोलते भैया बोलो, रिस्पेक्ट करो, पांव छुओ, बोलता है तू जस्ट 2 मिनट पहले पैदा हुआ। एक दिन भी बड़ा हो जाए तो सुनना पड़ता है। MIT कॉलेज है ना, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां ब्रिजिंग करता था, तो वहां एक बहुत अच्छा नियम देखा मैंने, मेरे को बहुत पसंद आया कि वहां अगर जूनियर सीनियर कहीं मिलते हैं बाद में भी कॉलेज के बाद भी, तो उधर का अगर कोई होटल में खाना खाने जाते हैं तो वो जूनियर का पैसा सीनियर भरेगा। अब प्यार से वो लोग भरते हैं, छोटू आओ बैठो ऐसा रहता है, अब उसका सीनियर मिला तो तीनों का पैसा वो भरेगा। इसलिए प्रिंसिपल का वहां का प्रिंसिपल खाना खाने नहीं जाता बाहर। सब भरना पड़ेगा। अच्छा लगा कल्चर मुझे। तो यहां पे कहा गया कि अपरस्पर संभूतम, इनका कहना है कि ये सिर्फ काम से आता है, इसका कोई स्पिरिटुअलिटी इसके पीछे आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, काम से निकलता है। जैसे बोले स्कॉर्पियंस के पसीने से वो निकलते हैं, स्कॉर्पियन हाँ, तो बोले वैसे ये जैसे डेड बॉडी से भी जीव निकल जाते हैं, जैसे डेड बॉडी छोड़ दो तो सड़ जाता है, उसमें तो कीड़े वड़े लग जाते हैं ना, वैसे बोले वैसे सब जीव अपने आप आते रहते, मस्त है ना, तो सिंपल है। हम तेरा डेड बॉडी बनाते 10-12 जीव एक साथ आएंगे और क्या, जो भी आएंगे लाइफ ज्यादा आएंगे, तो इनका थियरी ऐसा रहता है। फॉर देम वन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर इज एज गुड एज अदर्स, वो क्या कहते हैं कि ये सब स्क्रिप्चर विक्चर मतलब सब एक ही है, बेसिकली तुम्हारा अज्ञान है। तो ये इनका थियरी है डेमोनिक लोगों का। तो इसमें चार्वाक जो थे वो कहते थे वर्ल्ड हैज नो पर्पस देन सेटिस्फाइंग वंस लस्ट अन्यत काम अहैतुकम, ये संसार केवल काम वासना के लिए। तो जैन्स का फिलोसफी है दे से द कॉज इज वॉट एवर वन वॉन्ट्स इट टू बी एज मच एज वन कैन इमेजिन अकॉर्डिंग टू रीजनिंग पावर,
तो के जैन लोगों का क्या मानना है, वो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज किसी को नहीं मानते, वो तो जहां तक तुम्हारा रीजनिंग जाएगा वहां तक का कॉज तुम्हारे लिए, तुम जितना ढूंढ सकते हो कॉज मानो। तभी के जैन का फिलॉसफी होगा, अभी तो जैन का ऐसा कोई सुनने में नहीं है, हो सकता तभी के जो स्कॉलर हैं जब यह टीका लिखा था। डेमोनियक फिलोसफर्स ब्लेम वैदिक फॉलोअर्स, वो लोग डेमोनियक जो फिलोसफर हैं वो वैदिक फिलोसफर्स को ब्लेम करते हैं, क्या ब्लेम करते हैं, त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचर, दे मेक द मेकर्स ऑफ थ्री वेद आर जैकल्स इमिटेटिंग वाइज मैन। वो कहते हैं कि हम लोग स्मार्ट हैं और ये वेद लिखने वाले क्या करते हैं, हमारा कॉपी करके उसमें से सोल वोल घुसा के अपना फिलोसफी बना देते हैं। ये लोकायतिक स्कूल वाले हैं, ये ऐसे बोलते हैं, लोकायत स्कूल है ना जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, लोकायत वो वैशिक लोकायत स्कूल वाले बोलते हैं। कृष्ण डिक्लेयर सच आइडियोलॉजीज टू बी डेमोनियक, ये सारे आइडियोलॉजी को कृष्ण क्या बोलते हैं, आसुरी। अब जो है अब आपको ज्यादा चिंता करना नहीं है क्योंकि नौवां जो श्लोक है वो उस आइडियोलॉजी के बेस्ड क्या होता है वो बताया है। 10 से 15 मानसिकता बताई है उस असुर की, असुरी प्रवृत्ति के लोगों की, और उसका परिणाम क्या होता है 16 से 18 बताया, उसका अगला जन्म 19 से 20 बताया है। तो 20 तक पहुंचने में हमको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो बहुत आसान है, क्योंकि आपको आइडियोलॉजी समझ गया, बाकी फॉर्मेशन है, ठीक है। नौवां ले लो, एताम दृष्टिम वैष्टव्य नष्टात्मान अल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि दे ट्राई टू एंजॉय बाय अटमोस्ट लिमिट, मतलब कितना एंजॉय करें ये उनके मन में रहता है, और ज्यादा एंजॉय करो, इतना हो गया, एक्सटेंड योर सेल्फ, और एंजॉय करो, गांजा नशा आहा बाहा एकदम, मतलब पता नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, मैंने कभी इन लोगों को देखा है, पता लगा प्रभु जी भी लिए हैं, भगवान की कृपा से बचा हूं मैं। लेकिन वो रहते ना लोग पूरा एकदम आहा हा, मेरा दोस्त बोलता था चल मजा आएगा, मेरा एक बिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए गीता क्लास से, फिर भी बता रहा हूँ, जब हम कॉलेज में 11th 12th में पूना में आए ना, तो मेरे को एक दोस्त मिला, बोलता चल तुझे पब लेके जाते हैं। अब मैं जानता नहीं था पब, मैं जानता था पब मतलब कुछ तो नाच गाना होता है, क्या होता है मैं नहीं जानता था, मैं मतलब रिमोट एरिया से आया था। तो बोलता है मेरी तरफ से, तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं होता था, बोला था मैं नहीं जा सकता, मेरे को लगा था कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या किया, मेरे किसी और एक सीनियर को इन्फ्लुएंस किया, वो एक बार पब गया, फिर वो मुझे बोल रहा था अब मैं कल जो है वो पूना में एक वेशल है वहां जाने वाला हूं। तो मैं बोला मेरे को ऐसे पापी भाग यहां से, और वो बहुत वो कर रहा था कि अब मैं मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा पवित्र स्थान में जा रहा है ऐसा वो बोल रहा है। अब मालूम है क्या हुआ उसके साथ, पुलिस लोग का सेटिंग रहता है, वो वहां गया उसको उधर से लेके कॉलेज के हॉस्टल तक नंगा दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने मार के भेजा। ये लगता है लेडी उसके बैकअप है क्या, करंट गया मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा है, हमको लगता है कि हम एंजॉय करेंगे, लेकिन आप नहीं समझे इस दुनिया में द्वेषी लोग भरे पड़े ना, तुम्हारी तरह एंजॉय करने के लिए सब भरे पड़े, समझो ये लाइब्रेरी एक ही है और 10,000 लोगों को एक ही साथ बुक, एक ही बुक पढ़ना है तो क्या होगा, लड़ाई होगा, या तो उसमें से एक जीतेगा वो बुक लेके जाएगा। तो वैसे संसार में क्या ऑब्जेक्ट एक ही है, तो देवता लोगों में क्या गुण होता है और असुर में क्या गुण होता है, देवता लोग क्या करते हैं, देवता लोग एक बार ब्रह्मा जी ने देवता और असुर को भोजन बुलाया मालूम है ना, तो देवता लोग बोले तो देवता को पहले खिलाना चाहिए, तो राक्षस बोले तो क्यों बुलाया हम लोगों को असुर, हमारा अपमान करने के लिए, हम पहले खाएंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है आप लोग पहले खाइए, देवता लोग भी उठाने आप लोग खा लो कोई दिक्कत, लेकिन ब्रह्मा जी बोले लेकिन रूल ये है कि आपको ये जो मतलब जो खाना है उसको आपके हाथ में पट्टी बांध दी जाएगी ऐसा, तो ये हाथ सीधा हो जाएगा और तब आप खा सकते। तो सब आइटम तो रखे थे तो करे तो करे क्या, ऐसी बचता है ना।
ओके हाँ, वो मशीन चल रहा है। तो ऐसे लिया वो लोग, कहीं ऊपर उठा रहा है, उछाल रहा है, पकोड़ा इधर से पकड़ रहा है, उधर गिर रहा है, कहीं मुंह पे गिर रहा है, गलती से खाद दाना अंदर जा रहा है, चार चना भी नहीं खाया होगा वो लोग। खाओ ना तुम लोग, ऐसे खा के दिखाओ। फिर बाद में वो लोग अपना कपड़ा तो खराब कर लिया, बाहर खड़ा है सब लोग, देवता लोग कैसे खाते देखते हैं। तो देवता लोग बैठे, भूतों लोग क्या किए, एक दूसरे के सामने सामने बैठ गए, आ लेके वो उसको खिला रहा है, इसको खिला, बोला क्या खाइएगा, बोला रसगुल्ला, ठीक है वो रसगुल्ला उठा के खिला रहा है। इसको बोलते कोऑपरेशन, क्या बोलते हैं, तो वर्णाश्रम क्या है, कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। और आसुरी प्रवृत्ति क्या है, नॉन कोऑपरेशन। जब से आजादी मिली तब से भारत रोज क्या कर रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां एकत्रित होके कोई अच्छा काम नहीं करना चाहता है, सब नारेबाजी करके ग्लास फोड़ो, गाड़ी फोड़ो, इज्जत लूटो, पैसा लूटो, मतलब किसी को मारो, किसी को पीटो। सरकार करवाना चाहता है, उसी में उसकी जिंदगी है, बात समझिए। जो डेमोक्रेसी की सरकार है उसका जीवन किस पे है, अरे भाई विरोधी नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, उसका अस्तित्व विरोध पे है। तो अगर उसका शत्रु एकदम पप्पू टाइप भी है तो जिंदा रखेगा उसको, क्यों, उसके पे उसका एग्जिस्टेंस है, आप समझ रहे हो। तो रोज नारेबाजी करो, आधे नारेबाजी तो ये लोग स्पॉन्सर करते हैं खुद ही, रूलिंग पार्टी स्पॉन्सर करते, जानते आप, नहीं जानते आपको बाद में कभी पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र बताए कौन कैसे करता है, खुद ही स्पॉन्सर करते हैं। एंटी करप्शन, मेरे खिलाफ करप्शन का तुम ही नारे लगाएगा तो सारे एंटी करप्शन तेरे पास आएंगे, और लास्ट में तू मुझे क्लीन चिट दे देगा। समझा, इधर ये तो राजनीति होता है। तो ये आसुरी लोग क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को मार मार के हीरो बनना चाहते हैं। तो इनके इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पिंडदान विंडदान तो छोड़ ही दो, इनका पिंड तो मिलने से रहा इनको। तो न ये इस जीवन में सुखी होते हैं ना अगले में। तो एक यहाँ कहा गया है, दे ट्राई टू एंजॉय विथ अटमोस्ट लिमिट, इन्वेंटिंग समथिंग फॉर ग्रेटिफिकेशन, यानी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते, मतलब ऐसा एंड नहीं होगा। अभी लैपटॉप आ गया तो पाम टॉप आ गया, पाम टॉप से ये आ जाए, मुझे तो लगता है किसी ने एक तो चिप डाल देगा उसी में सब होने लगेगा, कुछ भी कर सकता है ये, समझा। वैक्सीन के नाम से डाल भी दिया कि मैं जानता नहीं, पर विच दे कंसिडर एडवांसमेंट, और वो इसको क्या मैं समझते हैं, एडवांसमेंट, कुछ इसका कर दो देखो क्या है इसका सिचुएशन, नहीं मतलब उसका नहीं तो क्या हो गया, बंद हो जाएगा तो ये कह रहे हैं, ये इसको मटेरियल एडवांसमेंट समझते हैं, क्या समझते हैं, हाँ ये सोचते हैं कि हमने देखो प्रगति किया, क्या प्रगति किया, तो पहले हम लोग हाथ से खाते थे, अब चमचा आ गया है, स्टेनलेस स्टील। बेसिकली आपने पर्सनलिज्म को इम्पर्सनल का एक आइटम घुसा दिया, उसके बाद आपको खाने की कोई जरूरत नहीं, ये एक कैप्सूल खाएं टंटनाए। तो अब वो चमचा का भी जरूरत नहीं, अब वो हमारे कैप्सूल खाइए, क्या आपके बाल पक जाते हैं लगाएं। अरे भैया बाल पका तेरे टेंशन से, तेरे बैंकिंग सिस्टम से जो लोन लिया, अब भरी जवानी में मेरा शादी नहीं हुआ उसे बाल पके हैं, अब केमिकल कंपनी में काम कर करके बाल पके हैं, अब वही केमिकल का दूसरा लोशन लाके तो मेरा बाल काला कर रहा है। तो ये आसुरी लोग क्या है ना, और उसको बट एंड नाउ वी आर एडवांसिंग, हमारे पहले वैदिक कल्चर में बच्चे 5 साल के 7 साल के तो वेद बोल देते थे, अभी 20-25 साल का आदमी भी है उसको हरे कृष्ण मंत्र बोलो तो भी बोलना नहीं आता, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बोले भाई पक्का कलयुग आ गया है, एक ही मंत्र भगवान ने बोलने बोला है वो भी नहीं बोल पा रहा। तो ये आसुरी कल्चर है, एडवांसमेंट के नाम पे आसुरी। अब वो करे, अब आप 1 घंटे में यहां से वहां पहुंच सकते हैं, अरे पहुंच के वहां मेरा कौन ससुरा वेट कर रहा है, आपको पूछ ही नहीं रहे वहां कोई। अब देखा है
पहले होता था, लाइक कोई स्टेशन से दूर आता है तो लेने के लिए पूरा चाचा नाना मामी दादा लाइक पूरा मतलब टाटा भी करने में एक अलग फीलिंग। मम्मी अब तो बोलते हैं हाँ टिकट मिला, व्हाट्सएप आया, हाँ चल निकल, हाँ ठीक है ट्रेन में वो IRCTC से खाना खा लेना समझा, फिर पता चला ट्रेन में कोई मिला के खिला दिया, तू सोया तेरा बटवा लेके चला गया बाद में पता चला तो ट्रेन वॉज पासिंग बिहार, इट वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी स्टेट। मुझे आज भी याद है छोटा था मैं मेरा माता और सामने भी ऐसे एक मुस्लिम आदमी भी था, मतलब थोड़ा मुस्लिम लोग थोड़े कट्टर भी होते हैं लेकिन बिहारियों के सामने सब फेल है। ट्रेन गुवाहाटी से आ रहा था, वो कौन सा एक्सप्रेस था पता नहीं, गुवाहाटी से दादर जाता था, तो मैं किशनगंज में बैठा तो बिहार आ गया, बैठा तो हमारा सीट था रिजर्वेशन में बैठे, तो भी आदमी जो था अच्छा था आदमी वो भी बैठा था, बाद में कोई एरिया आ गया बिहार का पटना से पहले कोई एरिया आ गया तो लोग घुस गए अंदर में, स्लीपर बोगी मतलब रिजर्वेशन बोगी में, हाँ सोझे हो जाइए, सोझे में सीधा हो जाओ, तो हम तो पहले बैठे थे, ये जो मुस्लिम भाई साहब थे वो सोए थे तो ये बोले हमारा सीट है, हो जाइएगा कि कर दिया जाए। अब वो अकेला था बेचारा, वैसे तो वो भी दादागिरी कर सकता था लेकिन वो उसका एरिया था नहीं बिहार था, और ये लोग मतलब तो बोले सो जाओ, बुझ समझदार बुझदार है बैठ, अब 15-20 लोग बैठ गए उसमें। हाँ लेकिन रिस्पेक्टफुल था, जहां मेरी माँ बैठी थी मैं बैठा उतना छोड़ के उसमें बाकी में जाम कर दिया मैंने, ये था। जाने के बाद ये बोलता है भोला तो वो दूसरा आदमी बोलता है ये बिहार है यहां जब सीट बोले दे दे अन्यथा ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा अभी बिहार तो सुधर गया है, पहले होता था ओमनी उनको मिल गया तो किडनैपिंग का बिजनेस ही चालू कर देते, फिरौती का धंधा। पहले के CMs क्या करते थे, हाँ तुमको गोल्ड मेडल चाहिए बाबू, गोल्ड मेडल लेगा ठीक है, तुमको गोल्ड मेडल दिलवा दे, वहां थोड़ा बम फोड़वा गया हो तो वो मेडिकल स्टूडेंट कहीं तो बम फोड़ के आता है उसको गोल्ड मेडल भी मिलता है। कॉलेज में टीचर को फोन जाता है डीन को, कहा टॉप किया है, बोले ये टॉप किया है, कितना मार्क है उसको 90, एक कान भी दीजिए टॉप ना करना है उसको, सुन रहे हैं, बोले जी एकदम ध्यान से सुन लिया हमने, लिख दिया है वो आके कल लेके जा सकता है, उसमें असली में सोना भी लगा दिया उसके, भाई जा हुआ था एक बार बिहार में रिजल्ट आया था ना, बिहार में रिजल्ट आया एक लड़की का, वो पूरी स्टेट की टॉपर निकली कोई तो सब्जेक्ट की, कॉमर्स या किसी की सब्जेक्ट की, आर्ट्स का कुछ निकली थी, तो उसको जब इंटरव्यू लिया कि आपने आउट ऑफ आउट लाया है तो ये क्या चीज है, ये पॉलिटिकल कोई सब्जेक्ट पूछा उसको, तो उसको आया नहीं, बोलते आपने 100 कैसे लाया, बोले मैं पापा को पहले बोली मुझे सिर्फ पास करना और टॉप करवा दी। तो ये दुनिया है, आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, एंड आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मतलब डीटो आदमी को ये पता चले कि संसार में सब बकवास है, देयर इज नो नीड टू फॉलो। जरा संत को इसलिए इधर बहुत ज्यादा फॉलोअर मिल गए थे, चलिए जी किया जाए कुछ हो जाए उर्दंकारी। तो ऐसे लोग एडवांसमेंट समझते हैं इसको, मटेरियल थोड़ा कुछ मिल जाए फोन आ गया एडवांसमेंट हो गया, अरे फोन आगे से क्या एडवांसमेंट हो गया, सब परेशान है फोन से, एक सिम था तो परेशान है, अब दो सिम हो गए, चार दो मोबाइल के चार चार सिम हो गए, सब में 3-3 GB डेटा होने के बाद भी आदमी परेशान है, ये सुख उस डेटा में थोड़ी है। आप जब यूट्यूब देखते हो फेसबुक देखते हो तो आप कौन से वीडियोस देखते हो, आपकी जो चेतना है वही वाले देखते हो, आपको कविता वाला मूड है तो कविता वाला देखते हो, नेचुरल सीन देखने का तो देखते हो, हाँ जो आपका आप जो हो वही देखते हो बेसिकली, वरना आप स्क्रॉल कर देते हो, कर देते हो कि नहीं, कम से कम 100 वीडियोस है सब देखते हो क्या, नहीं स्क्रॉल कर देते हो। तो वैसे ही दुनिया है, आप द वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। तो आसुरी लोग क्या करते हैं, सिर्फ दुनिया में आसुरी चीज ही खोजते हैं और उसको मटेरियल एडवांसमेंट का नाम दे देते हैं।
द रिजल्ट इज पीपल ग्रो मोर वायलेंट क्रूएल टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. उसका परिणाम ये है. तो आप बोले रहेंगे ना डेमोनिया के लोग, डेमोनिया का क्या प्रॉब्लम है? उसका प्रॉब्लम ये है कि लोग और हिंसा, प्राणियों के प्रति हिंसा, मनुष्यों के प्रति हिंसा बढ़ाने लगते हैं, निर्दयी होने लगते हैं, अभी समाज व्यवस्था बिगड़ जाता है. जैसे वो लोग न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, अभी देखो सबके पास न्यूक्लियर वेपन है. अप्रपात कहते हैं कि किस कोई ना कोई तो फोड़ेगा. ऑलरेडी एक बार तो यूएस फोड़ दिया जापान में, और ये आगे भी कहीं ना कहीं. वो तो फिर भी बहुत साल पहले का था जो ढंग का बना नहीं था. अभी हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है. आप सोचो कौन किसका बटन दबा के विनाश कर देगा, आप नहीं जानते. और हर प्राइम मिनिस्टर का डमी घूमता है बाजार में. जो आप एक्चुअली दूर से देखते हो ना, वो डमी होता है, वो बॉडी डबल बोलते हैं उसको. कोई भी ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर तुम नहीं देखते. नहीं, वो बनाते हैं, मिलता है उसको पकड़ के, वो रहता है, वो सिक्योरिटी वालों को करना पड़ता है. ऐसे कोई पब्लिक वब्लिक में जाना है तो थोड़ा दूरी रखवाते, इसलिए ज़्यादा लोग को नज़दीक नहीं लाते. पकड़ में भी आ सकते हैं ना, पूरा ट्रेनिंग होता है. चलना बोलना फिलोसफी सब करवा देते, और रिबन भी काटेगा सब कर देगा, ऐसे कर देगा सब, निकल जाएगा. उसको मालूम है धोखा है इसको. तो यहाँ पे शब्द है दृष्टिम. दृष्टिम यानी सिंगुलर कहा गया, इंडिकेटिंग होल क्लास ऑफ डेमोनिक फिलोसफीज, ऐसे दृष्टि रखने वाले लोग. अल्प बुद्ध यहा, ऐसे असुर को क्या कहा गया है? अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाले. नष्टात्मान, डिवाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आत्मा डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, इनको ये आत्मा शरीर से अलग ही है, नहीं मालूम है. उग्र कर्माण, फिक्स्ड इन एक्शन ऑफ वायलेंस एंड स्लैंडर एंड इंसल्ट. जगत अहित, बींग एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का अहित करना चाहते हैं इसमें लगे होते हैं. और क्षयाय प्रभवंती, डिस्ट्रॉय स्पिरिचुअल ट्रुथ, ये इनके आइडियोलॉजी के आउटपुट है. दसवां श्लोक खोलिए. काममाश्रित्य दुष्पुरम दम्भा दम्भमानं मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा रसग्रहात् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः. कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं. वो हमेशा अपवित्र होने का व्रत लिए रहते हैं. हम नहीं सुधरेंगे, ये उनका मूल मंत्र है. उनका चैंटिंग मंत्र क्या है? हम नहीं सुधरेंगे. टी-शर्ट, हाँ टी-शर्ट मिलेंगे. हाँ, हम नहीं सुधरेंगे लिखते हैं ना, वो यही है. तो प्रॉपर लिखते हैं, मेंटेलिटी इज डेमोनिक. उनका अभी मेंटल मानसिकता आ रही है, फुल ऑफ एंग्जाइटी एक्सेप्टिंग नॉन परमानेंट थिंग्स. क्योंकि ये जो अशाश्वत चीजों को शाश्वत समझते हैं उसमें पूरे परेशान होते हैं. ऐसे क्यों हो गया? मैंने तो ये प्लान किया, तो अगला प्लान बनाते हैं. रुक रुक ऐसे करते हैं, रुको रुको ऐसे करते हैं. इनका प्लान ही बनते रहते हैं. अब प्लान पूरा फेल होते रहते हैं क्योंकि इनका अंडरस्टैंडिंग ही अज्ञान है. तो कोई चीज का सही ज्ञान है ही नहीं, और प्रॉब्लम होता है, उनका आउटपुट नहीं आता है. दे क्रिएट देयर ओन गॉड. एक्चुअली क्या है, मैं इसमें इसलिए ज्यादा नहीं घुस रहा हूं क्योंकि मैं घुस जाऊंगा ना तो एक ही वर्ड पे मैं एक क्लास चला जाएगी. इसलिए मैं इसको सिर्फ पढ़ पढ़ के पॉइंट्स को गैप करना चाहता हूँ. मैं इससे ज्यादा तुम लोगों पे अन्याय नहीं करना चाहता. और इतना तो आप लोग समझते ही, दुनिया में ये चल ही रहा है तो क्या डिस्क्रिप्शन करना. फिर भी ये मौका मिलता नहीं हम लोगों को धोने का. तो फुल ऑफ एंग्जाइटी क्रिएट देयर ओन गॉड. और ये क्या करते हैं? अपना ही गॉड क्रिएट करते हैं. चैंट ओन हिम्स एंड चैंट अकॉर्डिंगली. किसी भी बाबा को, पीर बाबा को गाड़ देंगे. अब बोलेंगे देखिए यही है, हाँ इसको ये गरीबों का नवाज करता है, इसको आइए मांगिए ये देता है. अब गरीब नवाज तो वहाँ है, उसके नाम पे जो वहाँ चादर चढ़ाने वाले जो भी वहाँ पे मुजावर होता है वो क्या करता है? वो अमीर लोगों को जी उजरी करता है और उनसे पैसा लेता है. तो अगर गरीब नवाज पैसा देता है तो अमीर से क्यों ले रहे हो? देने वाला अगर गरीब नवाज है तो अमीर से क्यों ले रहे हो? बात समझो मैंने जो बोला हो, क्या समझा विजय बताओ? गरीब नवाज देने वाले हैं और हम लोग जी जरूर कर रहे हैं जो समाज में बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं जो दूर 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 से आते हैं चादर चढ़ाने, और वही गरीब नवाज है जो इतने सारे रेप और क्राइम कर चुका था, हिंदुओं को मर्डर्स कर चुका था, उसी को पूजा करवा दिया. और वही हिंदू मूर्ख वहां जाए कपार माथा टेकते हैं.
अज्ञान का भंडार है। हाँ, दूसरा अज्ञान क्या है? चांद मियाँ, चांद मियाँ ने अपना, उसको चांद मियाँ को तो भगवान बना दिया। 1900 के दशक में आए चांद मियाँ, अभी तक भगवान बना हुआ है। हम लोग घर घर में पूजा करते हैं, अरे वो चांद मियाँ है। जान दो, चांद मियाँ जानते ना कौन है? कौन? साईं बाबा। शिरडी वाले साईं बाबा कहाँ हुआ ये, कब आए? 1900 के दशक में आए। फालतू का गाना बना दिया, गाना बना दिया, तुम्हें भगवान बना दिया, तुम कौन होते बनाने वाले? न शास्त्रों में प्रमाण है न कुछ है। तो अर्जुन पूछने वाले 17वें अध्याय में, ऐसे लोग जो पूजा करते हैं जो शास्त्रों के बाहर है, तो उनको कौन सा वो माना जाए, कौन से गुणों में माना जाए? तो बोले प्योर अज्ञान है, लोगों को लाइन में लगने की आदत है, तो चले जाते हैं। शिरडी में भले कितना पैसा आ जाए, वो कोई भगवान थोड़ी है। आप चेहरे से देख लो, बेचारे प्रसन्न भी नहीं रहते, ऐसे रहते हैं। भगवान है ही नहीं ना वो, आप बात समझे। आप ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है तो उनको क्या मान सकते हो? अगर संत मान सकते, ज्यादा से ज्यादा मानना है। अब वो खुद भी क्या बोलते हैं? सबका मालिक। अगर उनका फिलोसफी भी लेते तो क्या बोले? सबका मालिक। हाँ, और ये बना किसको दिया? ये हमारी जनता जो है ना, मतलब चलो हम कहेंगे, चलो कहीं बाहर से आए भी था, चलो हो सकता है संतवाणी बोली हो सकता है। अगर संतवाणी बोली थी, क्योंकि ये दिया जला के दिखाना ये सब करना, ये किसी भी योगी को आता है, छोटे से छोटे को आता है एकदम। ये आंडू पांडू चीज है, जो योगी लोग होते हैं उनके लिए सब आंडू पांडू चीज होते हैं। आपको कपार देख के बोल देंगे तुम्हारे घर में कितने लोग, ऐसे आपको देख के बोल देते, दिखते हो सिद्धि है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार का जरूरत नहीं। किसी ने लोकनाथ महाराज को पूछा, महाराज बहुत लोग पैदल जाते हैं शिरडी, तो उनको क्या फल मिलता है? बोले कुछ नहीं, आयोडेक्स का धंधा होता है। पांव दुखेगा फिर आयोडेक्स लगेंगे, हो गया, उससे तो कुछ नहीं। वहां पे विष्णु है ही नहीं ना, तो फिर क्या करो आप? जानबूझ के साई राम, साई कृष्ण, कौन बोला तुमको जोड़ने के लिए? कौन बोला? साई भगवान बोले थे। कहां से हुआ? कहां से आ गया साई? झूठों का इंसल्ट किए समाज में। अब देखो मैं रोज एक एक का नहीं धुलाई जा सकता, प्लीज। मैं जो है सो है, सत्य तो सत्य है। कई लोग हैं जो, अच्छा कोई बोलेगा नहीं फिर हम पूजा करते तो कैसे फीलिंग आता है, वो 17वें अध्याय में उसका आंसर आएगा। भगवान बोलते हैं कि वो एक्चुअली वो भले वहां माथा टेक रहे हैं, उसको जो कर्म के हिसाब से मिलना है वो मैं देते रहता हूं, वो माथा कहीं जाके टेक दे। और फिर इसका एक प्रॉब्लम क्या है? चलो ठीक है, आज फिलहाल आप साई बाबा कर भी रहो, चलो अब थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं भी बोलते तो क्या होता है? कल आप खुद को भगवान बना लोगे, कल आप किसी को भी भगवान बोल दोगे। लोग यही करते हैं ना, जब कुछ नहीं होता तो साधु का भेष पहन के खाना पीना मांग के पैसे लूटते, चोरी करते। तो इसलिए हम साधुओं का काम है, जो सही साधु उसको सही बोलना, जो गलत है उसको गलत बोलना। ये नहीं कि हमको डरना चाहिए। वो साईं बाबा के कोई फॉलोअर्स नहीं है, ये नहीं सोचना नहीं उनके बहुत फॉलोअर्स है, नहीं नहीं, वो फॉलोअर्स दिखाने के लिए, वो अपनी इच्छा के लिए जाते हैं। आप साईं बाबा से अहेतु की प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अहेतु की खुद नहीं, वो चला गया, खत्म हो गया। आपके भगवान मानने से आपका भावना वैसा नहीं ना आप कर सकते, आप भगवान बनाते नहीं जा सकते, समझ लो। अब पॉलिटिशियंस को क्या होता है, जहां चाहे मत्था टेक देते हैं, उनको क्या है, जहां वोट मिलेगा मत्था टेक दो, वो तो ऊपर से जनेऊ लगा देंगे, वो तो मतलब उनका लीला ही अलग है। तो पॉइंट ये है कि हम किसी भी आए, हमारे भारत में बहुत श्रद्धालु ज्यादा है, तो किसी के थोड़ा चमत्कार दिखा तो आ हा बाबा का विभूति काम कर दिया। तो अभी इतना जो कोरोना हुआ तो कहीं नहीं बचाए तुम्हारे साईं बाबा ने, क्यों नहीं बचाए? जाके पूछो, ऐसा किया था ना,
तो क्यों नहीं बचे लोग साहेब कोरोना से? भरे भरे शिरडी में लोग मर गए। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि विष्णु तत्व विष्णु तत्व है, फालतू में किसी जीव को विष्णु मत बनाइए। तो प्रभुपाद यह बता रहे कि दे क्रिएट देयर ओन गॉड, चैंट देयर ओन हिम्स, वो अपना ही उसका मंत्र बना के चालू कर देते। उसे क्या मिलना है? कुछ नहीं, बस मुंह का बड़बड़ बड़बड़। तो ये कोई भी वैदिक प्रथा का आदमी आपको क्लियर बोल देगा कि साई बाबा भगवान नहीं। जो वैदिक प्रथा फॉलो करता है ना, वो सीधा बोलेगा। जो वेदों को जानता है, अच्छे से जानता है, वो यही बोलेगा। क्योंकि आप क्या करते हो? साई चिकन सेंटर। साई बाबा क्यों चाहिए? तो साई बार एंड रेस्टोरेंट। साई के नाम से क्या खुल रहा है? बार एंड रेस्टोरेंट। साई वैशाल, साई के नाम से यही सब चलना है क्या? वो तो अलग है कि हमारी जनता महान है। कृष्णा बार एंड रेस्टोरेंट भी मैं देख के आया। मैं बोला मेरे भाई, मतलब मेरा पांडव सेना, हर बार मैं बाहर जाता हूं, मेरा पांडव सेना बनाने का जो दृढ़ संकल्प है वो और दृढ़ होते जाता है। मूर्ख है, मूर्ख है। मैं अब जानता हूं कि मेरे बोलने से बहुत, अगर कोई साई का भक्त है बेचारा बहुत नाराज हो जाएगा। मैं भी एक टाइम में मतलब बच्चे थे ऐसे, हम लोग भी साई बाबा के मंदिर में जाते थे, ऐसा फील, हाँ हाँ चलो कुछ तो है मंदिर में। अरे आप जितने, मैं एक, मेरे को एक अच्छा लगा साई बाबा के फॉलोअर से, क्या है कि ये लोग हर गांव में एक साई बाबा का मंदिर बना दिए। हमको हर गांव में गौरनित्य बनाने में क्या प्रॉब्लम है? एक हर गांव में एक राधा कृष्ण मंदिर होना चाहिए, समझा? तो पॉइंट क्या है कि ऐसे अज्ञान से समाज नहीं सुधरेगा। ये आसुरी प्रवृत्ति है। और इसका क्या करते हैं, जितने भी ट्रस्टीज है ना उसके, वो सारा पैसा उसमें मुस्लिम ट्रस्टी है, जो साई का ट्रस्ट है। तो अलग ही सिस्टम है, हिंदुओं का फेथ उठाओ और पैसा कहीं और जाओ। और हम लोग बाबा बाबा का है को, बाबा चुपचाप बैठे उधर, बाबा वहां बैठे भी है अगर तो। अब पहली बात, मूर्ति में से विष्णु आ सकते और कोई नहीं आ सकता, समझ रहे हो? आज जो जो बाबा कभी जीवन में अपने मुंह से विष्णु का नाम ही नहीं लिए, नहीं समझे, न वो राम का नाम लिया ना कृष्ण का नाम लिया, उसको तुम विष्णु या उनका भक्त बना भी कह सकते हो। और उनके पास वो कंट्रोल है नहीं, उस तत्व में है ही नहीं, समझा? तो इसका मतलब तुम उनका मूर्ति लगा लगा के धंधा कर रहे हो। क्योंकि 1835 में, मैं बताऊं ये भगवान लोग कहां से है इतने सारे, नहीं बताना चाहता तो सुन लो। 1835 में जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हम इनको पावर से नहीं हरा सकते, क्योंकि मुगलों ने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया, फिर भी हिंदू एकत्रित है, तो इनको फॉल्स गॉड्स क्रिएट कर दो। क्या करो? इनके ओरिजिनल गॉड जो है विष्णु शिव, इनको गायब कर दो और इनके फॉल्स गॉड्स को प्रमोट करो। तो इन्होंने माउंट अबू में अफगानिस्तान से आए हुए एक बाबा, जिन्होंने नए बाबा को इंट्रोड्यूस कर दिया, लाल लाइट दिखाने का काम किया, उसको फुल पेमेंट कर दिया, वो एक फेमस हो गया। दूसरा जो ये बाबा 1900 के दशक में आए बाबा हमारे साई बाबा, इनको फेमस कर दिया। और ऐसे बहुत सारे ट्राई, तो उन्होंने लॉन्च तो बहुत लोगों किया, सक्सेसफुल 4-5 हो गए, नहीं समझे? जैसे हम लोग एक आम गिराने के लिए 10 पत्थर मारते, एक पत्थर लग जाता है। वैसे उन्होंने बहुत सारों को लॉन्च किया। फिर एक पूछना, खाटू श्याम बाबा? नहीं, खाटू श्याम बाबा तो वो है, उनका वो है कल, तो उसको है कुछ अच्छा कनेक्शन, हाँ पारंपरिक पूरा डिटेल में दूर, लेकिन वो जेन्युइन, वो ढूंढना पड़ेगा। अरे कम से कम वैदिक तो होना चाहिए, नहीं समझ रहे हो? साई की आरती कर रहे हो, वो व्यक्ति भी, वो खुद कभी विष्णु का आरती नहीं किया, तुम उसका आरती कैसे कर ले रहे हो? और तुम उसका नाम कैसे जोड़ पा रहे हो विष्णु से, जब वो किया ही नहीं? महाराष्ट्र में तो इतना क्रेज है, आई बाबा आनी साई बाबा बोलते, माँ बाप के बाद साई बाबा, कौन बोला तुमको? कौन से शास्त्रों में लिखा है? हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज आके गए कभी बोले? महाराष्ट्र के बड़े संत माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं। तुकाराम महाराज आके कभी बोले साई बाबा?
कि अभी जल्दी ही साईं बाबा का अवतार होने वाला है, बोले थे। चलो चलो, मैं तो फिर भी आज का मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं जानता। तो उनसे पहले जो आए थे तो बोल के जाते हैं ना, हाँ हाँ बहुत जल्दी ही साईं बाबा पर कठिन वाले कहाँ बोलो। अच्छा 1900 के दशक में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बाबा वहाँ क्या कर रहे थे? वर्ल्ड वॉर में ध्यान देते, थोड़ा रोक देते। तो या तो उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बोला, तुमने बनाया, या तो उन्होंने गुमराह करने के लिए बना दिया। क्योंकि तभी ऐसा था, इंडिया को अलग अलग तरीके से अटैक किया जा रहा था, आज भी करते हैं। आज भी जैसे मैं भी एक क्लास दूंगा तो लोग इसको अटैक करने का मूड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसे फर्क नहीं गिरता है। हाथी जब चलता है अकेला चलता है, शेर अकेला दहाड़ता है, कुत्ते झुंड में भौंकते हैं, टाइगर अकेला आता है, ठीक है। तो भौंकने वाला कोई कमी नहीं है। अनाड़ी लोग और अज्ञानी लोग कितना भी भौंके उनके उसको प्रमाण नहीं होता है। कोई प्रमाण है कि साईं बाबा भगवान है? तुमने बना दिया, तुमने पालकी कंधे पे ले लिया, तुमने कुछ मेहनत किया, वो अच्छा चलो ठीक है, उसका हम सम्मान करेंगे। पर इतना ही कर रहे तो विट्ठल के लिए जाओ ना, हमने मना कहाँ किया है। आप भगवान विट्ठल के लिए जाओ, जैसे बाबा भोलेनाथ के लोग कांवरिया लेके जाते, बोल बम बोल बम बोलो नमा पार्वती पते हर हर महादेव। तो महादेव का करिए, विष्णु का करिए, गणेश का, गणेश जी का करिए, देवी देवताओं का करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इनका क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये गलत है। तो ऐसे नहीं, आजकल क्या हो गया, फिर वो भी बाबा खत्म हो गए, फिर राम रहीम बाबा आ गए, साइकोलॉजी बन जाता है ना। मैं विरोध उसका नहीं कर रहा हूं कि चलो 10 लोग उधर कर भी रहे तो छोड़ दो, बात है कि वो तत्व में ही आसुरी तत्व है, उसके बाद क्या होगा, राम रहीम आएगा, पता चला अंडरग्राउंड टनल बना रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट का अड्डा बना लिया। तो या तो तुम बाबा बनो, नहीं तो मूवमेंट चलाओ, अब कुछ चला रहे तो ओपन बोलो, समझ रहे हो? आप मैसेंजर ऑफ गॉड करके आप उसका वीडियो भी बना दे रहे हो, मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब गॉड इसको चूज किया, समझा? अरे गॉड किसी को चूज नहीं करता है, गॉड सबको एम्पावर करते हैं अपने अपनी इच्छा से। भगवान को कोई तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, तुम इच्छा करोगे तो तुम्हारा इस्तेमाल होगा, और कुछ नहीं। अगर मैसेंजर ऑफ गॉड थे तो पैसा बटोरने में क्यों लगे थे? मोदी इतना स्मार्ट है, एक ही झटके में नोटों को बदल दिया, अब जो तुम्हारे पास नोट पड़ा उसका पोछा भी नहीं बनेगा, समझा? अभी अभी देखो 2000 की नोट गायब है बाजार से, तो मोदी आएगा 2000 भी बदल देगा, बोले आज से वापिस 1000 की नोट मैं ला रहा हूँ नए वाले, अब 2000 गायब कर देगा। अब आप 2000 को भजने जा ही नहीं सकते कहीं, और बोले 2000 भज नहीं सकते आप। तो जो पॉलिटिशियन लेके बैठे गड्डी ऐसे, तो बेसिकली देखिए पॉलिटिशियन लोग तो जाएंगे जहां जहां जो बोलते हैं उनको, फिलोसफिकल इंजन जहां जाके पूजा कर लेते हैं, लेकिन हम विद्वानों को या हम वैदिक ज्ञानी लोगों को समझना चाहिए कि किसी के सर पे जाके माथा टेकने का जरूरत नहीं है। तो कहा गया है कि दे आसुरी लोग जो कामम आश्रित्य दुष्पुरम, वो खुद ही क्या करते हैं, वो खुद ही अपने आत्मनो अल्प बुद्धयः, अल्प बुद्धि रहते हैं, नौने दस दूसरे, ये कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमानम अदान्वितः मोहाग्रहित्वात्, मोह से गृहित होते हैं, रिजल्ट दे अट्रैक्शन टू सेंस एंजॉयमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल वेल्थ। उनको क्या होता है, और भी उनको सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, स्पेशली सेक्स लाइफ, मटेरियल लाइफ। उनको आसुरी लोगों, आसुरी लोग का गुण होते हैं हमेशा सेक्स लाइफ में फंसे होते हैं, ठीक है। और ये लोग एक दूसरे को बचाते भी अच्छे से, बहुत अच्छे से बचा लेते हैं। अभी भी एक सो कॉल्ड मंदिर का अध्यक्ष था, वो किसी सेक्स स्कैंडल में पकड़ा गया, तो पकड़ा गया तो उसके सीनियर ने क्या किया उसको बचाने के लिए, अरे तो गलत किया है, दिस बाज नॉट गुड, तुम एक काम करो, एक महीना तुमको गंगा में सुबह सुबह स्नान करके आना होगा, ये दंड दिया, ये दंड होता है, उसको पोस्ट से निकालो, आप समझ रहे हो? गलत आदमी को तुम वापिस बैठा रहे हो। तो आसुर लोग है ना, वो कहे पैसा आते ही और ये सब यही सब काम कर, वैसे पटना में गंगा नदी तो नजदीक है, लेकिन पॉइंट है कि
एक दूसरे को बचा के आप क्या करोगे? कुछ मिलेगा नहीं। और ये आसुरी है। तो आजकल क्या हो गया है कि धर्म के नाम पे भी आसुर लोग घुस जाते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों को संभालना होगा, स्पेशली एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। 17-17 साल से लोग मंदिर ही बनाए जा रहे हैं, मंदिर के नाम से चंदा लेते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं, तो ये टॉर्चर ही। और खुद आप सेक्स स्कैंडल में फंसे हो तो कैसे होगा बताइए, मूवमेंट कहाँ जाएगा? तो ये ऐसा होता है। तो जो बड़े बड़े लोग होते भी हैं सो कॉल्ड, जो इसलिए साधु को ना अति पैसा नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। आया यूज किया, आया यूज किया, कल का नहीं, कल का छोड़ो, दिन के दूसरे प्रेयर का नहीं सोचना चाहिए साधु को। साधु को दूसरे प्रेयर तक का भी नहीं सोचना चाहिए, उसका तो आएगा ही आएगा। यहां पे एक्युमुलेशन कर रहे हो ताकि मेरा बेटा पायलट बने, मेरा ये हो, पूरा सा लोगों के दान का पैसा में आप जमीन गांव में खरीद रहे हो, गांव में बंगला बना रहे हो। बंगला किस लिए बनाओगे? ज्यादा लोग अकोमोडेट करने के लिए। वो ज्यादा लोग क्या है आप ही समझते हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। इससे क्या होता है, श्रद्धालु लोग जाते हैं श्रद्धा से, पर आसुरी लोगों को देखते तुमको समझ में नहीं आते क्या, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा साइंस है जो मैं बता रहा हूँ। और जैसे प्रोपद ने देखिए, मेरे को आश्चर्य लगता है, प्रोपद सब ये ए टू जेड सूत्रों की तरह लिखे जा रहे हैं, मतलब मेरे को सिर्फ खुले जा रहा है ये पिटारा। असुचि व्रतः अनक्लीन वाउज, उनके उनके वचन कैसे होते हैं? अनक्लीन होते। असुचि व्रतः देर अट्रैक्टेड टू वाइन वुमन गैम्बलिंग एंड मीट ईटिंग, उनको क्या पसंद है? वाइन वुमन स्त्री गैम्बलिंग जुआ और मांसाहार। और वर्ल्ड क्रिएट्स फॉल्स ऑनर फॉर देम, मद, मद क्या है? वो उनके लिए फॉल्स ऑनर क्रिएट करते हैं। अरे वाह वाह, जय हो जय हो, जयकारी लगाते हैं। मान, दे प्रोक्लेम themselves टू बी वर्शिपेबल दो दे आर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। वो अपने आप को रिस्पेक्टेबल वर्शिपेबल बना लेते हैं भले ही वो उसके काबिल हो या न हो। अभी जो है चिंता मत करिए, एक 5 या 10 मिनट दीजिए, हम लोग ये आगे कब कर लेते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। आज मैंने वापस किसी को धो दिया, मैं धोना नहीं चाहता था। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमायेतावदिति निश्चितः आशापाशतेर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहंते काम भोगार्थम अन्येनानिनार्थ संजयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, कैसे तैसे ना वो, क्योंकि अगले जन्म में विश्वास करते नहीं, उनको लगता यही सारा जन्म है, तो सारा और फिर टांगते रहते हैं। और आशा पास शतिर बद्धा, यानी आशा के पास में वो बंधे जाते, एक के ऊपर एक आशा। आशा दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। अरे दिल छोटा सा नहीं है, इतना सब आशा पूरा करने के लिए कम 50 योनी लगेगा। उड़ने की आशा, तैरने की आशा, चलने की आशा, बोलने की आशा, हा? तो ये आशा मत रखो। आशा पाश, आशा आएगा तो कौन आएगा? पाश भी उसके साथ आएगा। आशा पाश शतैर बद्धा, एक नहीं दो नहीं कितने संख्या, शतैर बहुत, हजारों की संख्या में आके बांधेंगे आप। तो ये है, तो ये आसुरी लोगों का ये सिम्टम्स है। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्तिदम मे भविष्यति पुनर्धनम।
असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आड्यो अपि जाना जा आड्यो अभि जनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानं नान विमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। वो लोग प्लान बनाते रहते हैं, मैं इसको मारूंगा, उसको करूंगा। उनको कोई भी थोड़ा दुश्मन लगा तो उसको उसके पीछे लग जाते हैं। 16 अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेशु पतन्ति नरकेशु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा आसक्त हो जाने से नरक में गिर जाते हैं। तो मोह जाल कहा गया है, जैसे मछली फंस जाती है ना जाल में, वैसे ये जाल में फंस जाता, निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाता। जैसे प्रभात बोलते हैं, कुछ लोग अपना ही मशीन बनाना चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन आप स्वर्ग मशीन से थोड़ी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। प्रभात जो उदाहरण है, रावण ट्राई किया था, ऐसे रावण जैसा मेंटेलिटी है सबका, तो नरक में जाते, तो नरक वैतरणी नदी है, नरक जाते हो वो पूरा पस से है, क्या है पस होता ना, तो पूरे पस से जाना पड़ता है। इसलिए पू नामक नदी को पार करने के लिए पुत्र चाहिए, त्र यानी जो बेटा हो, जो तुम्हारा पिंडदान करे, जो तुम्हें उद्धार करे। 17 आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम अदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेना अविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी कुछ करते तो कैसे करते हैं, पूरे गर्व के साथ। वैसे होते हैं बहुत आलसी, धर्म वर्म को पालन करना होता नहीं, शो दिखाने के लिए कि हाँ। कुछ लोग तो अपना ही मैन्युफैक्चर देयर ओन गॉड, कुछ तो अपने ही भगवान बना लेते हैं, अपने ही मंत्र बना लेते हैं, इलाय 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 इलाय, अपना बना लो तो अपना कंट्रोल रहेगा, मंत्र भी अपना रहेगा, भगवान भी अपना बना रहेगा, कंट्रोल भी अपना रहेगा, तो मार्केटिंग बिजनेस भी अपना रहेगा, तो हमारा ऑरा बेचेंगे 12-12 लाख में, मोहिनी विद्या का ऑरा बेचेंगे कल 12-12 लाख में। सब फर्जी हैं, इनको सब जूतों से मारना चाहिए। कॉमन मैन एडवर्टाइज देम एंड फूलिश कंसिडर देम एडवांस्ड। लोग क्या करते हैं, ऐसे जो बोगस गुरु भगवान बनने के चक्कर में रहते हैं, तो कॉमन मैन उनको बहुत एडवर्टाइज करता है, और फूलिश जो क्या करते हैं उसको स्वीकार भी करते हैं। दे टेक ड्रेस ऑफ रिनाउंस्ड ऑर्डर एंड एंगेज इन ऑल नॉनसेंस दम्भेना। वो क्या करते हैं, वो रिनाउंस्ड ऑर्डर का कपड़ा पहन लेते हैं, ओम यसु देवाय नमः, और इनके पीछे सब लग जाते हैं अविधि पूर्वकम। दे डिसरिगार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये कोई भी विधि विधान शास्त्रों का पालन नहीं करते। आप एक मिनट में किसी भी आसुरी व्यक्ति हो, फेमस भी है, तो उसको पूछो शास्त्र क्या है, वो नहीं बोल रहा है, छुपा रहा है, तो समझेंगे आसुर है। अगर किसी को विधि विधान बोलने में डर लगता है तो उसने वो लाल कपड़ा निकाल देना चाहिए। कभी कभी मैंने कुछ लोगों को देखा है जो गौड़ीय वैष्णव की तरह कपड़ा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वैदिक ज्ञान को बोलने के उनको वो बोलते नो आई हैव अ प्लान, यू नो माय प्लान इज, तेरे कौन पूछ रहा है तेरे को प्लान, बे घटिया है। कहते पूछ कौन रहा है प्लान तेरे को,
प्रभुपाद का नमक खाया है, प्रभुपाद का नाम लेने में शर्म आता है उनको, कृष्ण का नाम लेने को शर्म आता है पब्लिक में, नॉनसेंस है, प्योर नॉनसेंस। हमको लगता है बहुत एडवांस्ड है, नहीं, वी शुड बी केयरफुल। देखिए कभी ऐसा जीवन में ना ये ऐसा रास्ता कभी अवलंबन मत करना ना? मैं बाहर जाके मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, क्या जरूरत है? ओरिजिनल मोटिवेशन तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। आई एक नहीं सारे 700 श्लोकों में लिखा है, एक श्लोक दिखा तो जहां नहीं लिखा प्रभुपाद, इन्हीं का दिया हुआ कपड़ा पहन के भी तुम वो कर रहे हो। तुम बाहर वाले तो कर ही रहे हैं प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, अंदर में भी कर रहे हैं, गलत है एकदम। ऐसे आदमी से आपको कोई आध्यात्मिक वो मिलना ही नहीं, निरस टाइप है, छोड़ देने का उसको, उसके एक्टिंग के हल्प भी छोड़ दो, समझ रहे हो? ऐसा जब वो लिखा ना कॉमन मैन एडवर्टाइज देम, कॉमन मैन क्या करेगा? ऐसे लोग को एडवर्टाइज करेगा, जो असली साधु है उसको कभी नहीं बुलाएगा टीवी पे, टीवी चैनल पे किसको बुलाएगा? आज हमारे साथ हैं सो एंड सो, और सो एंड सो ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना गुरुकुल बनाया है, ना कोई मंदिर बनाया है, फिर भी व्हाट्सएप जोक्स को पेस्ट कर करके आपको कुछ पका दिया है। तो बेसिकली आप एंटरटेनमेंट चैनल हो गए, फिर एंटरटेनमेंट ही करना है तो जैसे वो चला हुआ योद्या लोग ऑफिशियली प्यार से एंटरटेन करते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है चला हुआ योद्या, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ किसी को भी डिप्रेशन है ना उनका देख लो, जिस तरीके से हंसाते हैं आपका सब डिप्रेशन चला जाए। तो अगर तुम किसी को वैसे भी देना चाहते हो तो ऐसे कॉमेडी शो ही चला दो, जैसे कपिल शर्मा करता है, कुछ तो कॉमेडी करता है लोग हंसते हैं ना। आप इधर धर्म दे रहे हो ना, ढंग से हंसा रहे हो, अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, बस ये सोच के कि एकदम इतने प्रमोट हो जाएंगे कि हमारे हाथ में कंट्रोल आएगा, ये तो डिमोनिक थॉट प्रोसेस है, नॉनसेंस। मेरे को तो मिलना भी नहीं। आत्मसंभाविता रिकॉग्नाइज एज प्री एमिनेंट बाई देमसेल्व्स अलोन, हाँ वो आत्मसंभाविता है, वो अपने आप को ही प्री एमिनेंट समझते हैं, खुद को ही अपने आप से ग्रेट समझते हैं हर चीज में। मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, मुझसे बड़ा ये कोई नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। स्तब्ध लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, उनमें विनम्र भाव नहीं होता। मद एंडोर्ड विथ वेल्थ एंड प्राइड डिमांड रिस्पेक्ट एज परमहंसा, उनको वो वेल्थ एंड प्राइड रहते हैं, अपने आप को परमहंसी समझते हैं। हाँ एक आदमी गया था हमारा उधर, हाँ जगन्नाथपुरी में कहीं गए थे ना, हार पहनाया था डिवोटी को जो लेक्चर दे रहा था, तिस बाज नाटे हार, आई बाजे जीबीसी, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्यास, बड़ा हार लेके आओ। डिमांड रिस्पेक्ट एज पर मंसा, सेक्स डिजायर कंट्रोल नहीं हो रहा है, लस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको धन अर्जित करने की लालसा कम नहीं हो रही है, नाम में रुचि नहीं है, और आपको परमहंस का गाजर भी खाना है, तो फिर ऐसा डिमांड। मैंने प्रपद को मान गया मैं टाइम से पहले, जो भी लिखा है ना सब मैनिफेस्ट दिख रहा है। हरे कृष्ण, मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा और 5 मिनट लूंगा क्योंकि मुझे कुछ तो खत्म करना चाहिए ना, ये चैप्टर खत्म कर देना चाहता हूँ मैंने तो। क्या है इसमें एक एक लाइन ऐसा है कि मैं रोज एक क्लास दे सकता हूँ, ये 800 रुपये मेरे खत्म करना है, ठीक है। 18 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रतिशन्तो अभ्यसूयतः। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। वो क्या करता है? ईर्ष्या करता है, उसको किसी का स्किल्स देखा नहीं जाता, भगवान को नहीं मानता है और दूसरों की इच्छा द्वेष करने लगता है। तो प्रभु देखते हैं एनवीएस ऑफ स्क्रिप्चर, दे पुट फॉरवर्ड फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के विरुद्ध में ही वो अभ्यसूय का लॉजिक देता है। आप देखिएगा जितने लोग बचपन में उनको कुछ ऐसा हो जाता है जो व्हील चेयर पे आ जाते हैं या जिनको अब चलना बोलना नहीं होता है और उनको मतलब यंग एज में ऐसा हो जाता है तो बहुत उनको अंदर से गुस्सा होता है, सब लोग चल रहे हैं मैं नहीं चल रहा हूं, गॉड इज गॉड किधर है, गॉड है तो कुछ नहीं क्यों की नहीं किया, वो ऐसे चल रहता है। ऐसे मैंने दर्जन भर केस देखे। हमको थोड़ा भी कुछ हो तो पहला किसको टारगेट करते हैं? अरे तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा भी बैड एक कर्म है, आपका भी तो कुछ कर्म हुआ होगा तब आपको दिया, आपने भी तो किसी को गला दबाया होगा, घोटा होगा,
आजकल डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कुछ तो इंजेक्शन देके टपका भी देते हैं डॉक्टर नर्स। तो आप ये करोगे तो आपके साथ भी होने वाला है, जब होगा तब रोना नहीं होगा। हम लोग सोचते कलयुग में इतना बुरा क्यों होता है, बोला बुरा नहीं होता है, कलयुग में कौन जन्म लेता जानते हैं? जो बुरे लोग होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा वो बचा रहता है मनुष्य योनि का कोटा। उनको बोलते जा भाई वहां कलयुग चल रहा है, वहां अपना कोटा भी खत्म करके आओ, जाओ 15-20 साल। हाँ जा, तू कितना 20 साल जाएगा जा। अरे उसमें भगवत धाम निकलो, नहीं तो यहीं पड़े रहोगे, समझा? कैसे कैसे प्रभु जी, प्रभु जी ने अपना जप कर निकल। प्रभु जी भी वही केस है, प्रभु जी का नया केस नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैंने भी कितना पाप किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। मूर्खों के बाजार में मैं नहीं रहना चाहता। ये देखिए अभी बहुत कुछ बोले लेके फिर मैं निकलता हूँ। मेक्स प्लान टू कट डाउन द पावर ऑफ दोज हु ब्लॉक हिज ओन सेंस ऑफ बिलीव्स। ठीक है, बेसिकली वो दूसरों को उड़ा देता है जो उनके सेंस एंजॉयमेंट के बीच में आते हैं। उसको टेम्पल से निकाल देगा या उसको किसी प्रोजेक्ट से निकाल देगा। जैसे होते हैं ना बॉस लोग होते हैं कंपनी, वो क्या करते हैं, कोई आदमी थोड़ा भी उसके विरोध में गया तो उसको पढ़ा दे। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अरे 10 जनपद में जहां हाईएस्ट सिक्योरिटी है वहां कार से ठुकवा के सुला देते हैं, उसी को हार पहना के 10 दिन में क्लीन सीबीआई का क्लीन चिट भी आता है। जा रहे हैं शिकारी खुद या शिकार हो गया, ये भयंकर है। तानहं दुषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभानासुरेषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूं। मैं क्या करता हूं फिर, तानहं दुषितः क्रूरान् मैं ही डाल देता हूं। तो आप बोलेंगे अरे फिर भगवान को तो परम दयालु परम दयालु परम कृपालु। हम लोग गाते गाना वाना बना के, आप जैसा कोई नहीं है, आप ही दया। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग आह शांताकारंग भुजग जैनंग। आप भी करुणामय, हे कृष्ण करुणा सिंधु, सब बोलते तुम्हारा क्या दयालु है। तान हम दुषिता क्रूरान, ऐसे जगह फेंकता हुआ उठ ही नहीं पाएगा। मतलब क्या करता है, साइकिल में सांप सीढ़ी होता है ना, क्या होता है सांप सीढ़ी, 99 से सीधा भगवान बोलते मैं उधर फेंक देता हूं, आ जा वापिस खेल, ट्र ट्र करते रहे। क्यों, तो भगवान क्रूर हैं क्या? नहीं, तो उसकी इच्छा थी वही उसको दिया, उसका कर्म उसको यूं नहीं दिया। हाँ, अपना कर्म पुंजाय शमन कर्मणादैव नेत्रेण। भागवतम के 3.31.1 में आता है, कर्मणादैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये स्त्रिय प्रविष्ट दूधरम पुंसो रेत कणाश्रयः। अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क द लिविंग एंटिटी द सोल इज मेड टू एंटर इन टू द वूम ऑफ द अ वुमन थ्रू द पार्टिकल ऑफ मेल सीमन टू एज्यूम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी। आपका जो एग्जैक्ट बॉडी आपको तैसे मिलेगा जैसे आपको हाँ जो आपने डिजायर किया है, जो कर्मा किया है उस हिसाब से बराबर मिलेगा। आप ये मत सोचो, मुझे अभी किसी ने तो फोन किया है, शायद वो मेरा कहीं लेक्चर सुनता है, मुझे बोलता है कि प्रभु जी क्या भगवान निष्ठुर हो गए हैं क्या, ये वो। बोला क्या हुआ भाई अचानक से तेरे को, तू तो लेक्चर भी सुनता है। नहीं ये वो। तो मैंने बोला सुन, तू नॉनवेज खाता है? बोले हाँ। तो बोला नहीं 2 महीने पहले बंद किए। बोले ठीक है, पहले खाता था ना? बोले हाँ। तो मुर्गी को जब काटा तो बोला क्या तुम्हारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनका दुख सुना तूने? बोला नहीं। तूने जो बकरी का खाया, बोले उसका दुख सुना? बोले तू जो खाना भी खाता है नॉर्मल वेजिटेरियन भी, तो जो खेत टिल्ट होता है तो उसमें जो कीड़े मरते हैं उनको भी जाके बोला, कभी माफी मांगा जाके? बोले नहीं। बोला जब तू नीचे वालों को दया नहीं दिखा सकता तो ऊपर वाले तेरे को भी दया दिखाएगा। बाद में वो एसएमएस कर मैसेज करके लिखता है, बोलता है प्रभु जी मैंने आपको झूठ बोला, मैं अभी भी नॉलेज करता हूँ, आपसे नहीं कहूंगा। लोग जाते हम अन्याय करते रहे लेकिन ऊपर वाला अन्याय करना चाहिए ना। हरे कृष्णा। परपेचुअली पुट इनटू वूम्स ऑफ डीमंस लाइक मलेच्छा एंड हंटर्स। ऐसे फिर उनको मलेच्छ योनियों में डाल दिया जाता है जहां भगवान के नाम से लोग दूर रहते हैं। मलेच्छ लोग होते ना, मलेच्छ यवन चंडाल, इनको भगवान के नाम में रुचि नहीं होता, इनको उद्धार अपना करना ही नहीं।
पतित रहो, सिंपल है, क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है बस। चलो 20, 21, 22, 23, 24 हो जाएगा, इमीडिएट हो जाएगा। आज क्लास नहीं, आज क्लास नहीं है, क्यों? तबियत खराब है आदिदेव प्रभु का, तो मैं थोड़ा और ले लेता हूँ, ये अध्याय खत्म कर देता हूँ, फिर आपको एक घंटा वैसे भी छुट्टी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। आप लोग ब्रेकफास्ट बना रहे तो उधर ही तड़का वड़का मारो, मैं यहाँ से माफ करना, आप लोग भोग लगाते हैं, मैं इसी मजाक कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। 20वां आसुरिम्योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य एव कौन्तेय ततो याति अधाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति भी आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, अधम जाते हैं, नीचे जाते हैं, अध यानी नीचे, ऊर्ध यानी ऊपर, तो उल्टा पेड़ में ऊपर क्या है, ब्रह्मलोक है, अध क्या है, सबसे प्राणी योनि है, तो प्राणी योनि में डाल दिया ना, तो उसको चक्कर पे 84 लाख का चक्कर काटना पड़ता है फिर तो। उसे भी ऐसा देखो, 84 गज मनुष्य मिला, फिर वो क्या करेगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसलिए मनुष्य योनि को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, कि मजाक में नहीं लेना चाहिए, गुरुजनों के शरणागत होके बोलना चाहिए, आप बताइए करना क्या है, समझा, हम हमारा देख लेंगे, हमको तो सब आता है, फिर भाई तू वैसी वापिस फिर। अच्छा, उठना इतना आसान नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। घसरगुंडी में देखा ना, वो चढ़ते हम लोग जब वो ऊपर से बैठ के ना, ग्लाइडिंग डाउन, तो उचड़ने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ो फिर उतरो तो पता, अभी कभी मैं अभी भी विजय था, कुत्ता कैसे हो गया। ओ मैं टाइम पे क्लास नहीं गया, नहीं जाएगा, टेंशन, मजाक कर रहा हूँ, अगर वैसा हो तो पता चला मैं कुछ तो अलग ही रहूंगा। बोले प्रभु जी क्या आप मेरे को कर्ज कर दी, देखो मैं और आप ऐसे हो गए। वो सूर्य देखो ऊपर गोलोक में भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, तो हमको बच के रहना चाहिए, गुरु के आश्चर्य रहना, जो वचन हमने लिया है 16 माला का 4 नियम के करते रहना चाहिए, ये हमारा शील्ड है, ये हमारा कोविड शील्ड है, समझ रहे हो, ये शील्ड बचा के रखो। तो यहाँ कहा गया है, तो ये 20वां था ना, तो कोई पूछेगा हाउ लॉर्ड इज मर्सीफुल, ये 20वां ही गए थे ना हमने, हाँ। तो यहाँ पे एनीवन हु इज किल्ड इज लिबरेटेड, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, वो लोग मारे भी गए तो लिबरेट हुए। तो चांदोग्य उपनिषद 5.10.7 में आता है, अथ कपूय चरण अभ्यासो हयत्ते कपूयम योनिम आपद्येरन स्वयोनिम वा शुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा, दोज ऑफ बैड कंडक्ट अटेन लो बर्थ्स सच एज डॉग्स, पिग्स एंड चंडालास। अगर कोई बैड कंडक्ट करता है तो निम्न योनियों में जाता है। वेदांत सूत्र में कहा गया 2.1.35, भगवान के न्यूट्रलिटी को लेते हुए, वैषम्य निर्घृण्य न, देर इज नो प्रेजुडिस और हेट्रेड इन लॉर्ड, भगवान में कोई द्वेष या हेट्रेड नहीं है, वो सिर्फ आपको, आप जहां जाना चाहते हो वहां भेज देते हैं। श्रीमद भागवतम में 10.87.23 में कहा गया है, निर्भ्रत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युज हृदयान मुनय उपासते तद अरयो अपि ययु स्मरणात्। सिंपली बाय कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ हिम द एनिमीज ऑफ द लॉर्ड अटेंड द सेम सुप्रीम ट्रूथ हुम सेजेस फिक्स्ड इन योगा वर्शिप बाय कंट्रोलिंग देयर ब्रेथ माइंड एंड सेंसेस। जो योगी इतना करते हैं वो असुर से भगवान के हाथ से मार खा के भी प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान दयालु है। भागवत ताम्रत कारिका में कहा गया है, माम कृष्ण रूपीणाम यावन नाप्नुवन्ति मम दिशा तावद एवाधमम योनिम प्राप्नुवन्ति इति ही स्फुटम, बट इफ दोज हु हेट मी डू नॉट अटेन मी इन माय फॉर्म एज कृष्णा, इफ दे डू नॉट गेट माय स्पेशल मर्सी, इट इज क्लियर दैट दे अटेन द लोएस्ट बर्थ। अगर उनको मेरा ये मेरे चरणों में नहीं आश्रय लेते हैं तो उनको निम्न बर्थ मिल ही जाता है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ऐसा कहते हैं, कोई अगर महाप्रसाद एक बार भी खा ले या गीता को टच कर ले या किसी वैष्णव से फिजिकल टच भी, उसका मनुष्य योनि कन्फर्म होता है, इसलिए ड्यूटीज को जाना चाहिए, CST दादर स्टेशन में धक्का मारते रहना।
मजाक कर रहा हूं, फिर भी मार सकते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के तीन द्वार हैं, नरक जो है नीचे वाला, इसको जाने के तीन रास्ते हैं, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन होता है, नीचे गिर जाता है, उसको निम्न योनियां मिलती है। क्या तीन चीजों से? काम क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्री भी न रहा आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार वो इसको प्राप्त होगा। तो इनको त्याग देने में ही फायदा है, तो इसमें कुछ परपोट में है नहीं ज्यादा। यह शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। जो ऐसे शास्त्र के विधेय विधानों का पालन तोड़ देगा, पिछले श्लोक में कहा गया कि जैसे वर्णाश्रम पालन करते हैं तो आप शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन अगर आप यहां पालन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? न सुखम न परम गति, इस संसार में भी सुख नहीं मिलेगा और परगति भी नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल वन लाइनर इसको, इसलिए ऐसे लोगों को कामकारता कहा गया, विम्सिकल, जो शास्त्रों को जानते हुए भी उसका पालन नहीं करते। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मशः ऊपर उठ जाए। उसे उन विधि विधानों का पालन करना चाहिए जिससे वो ऊपर उठ जाए। जैसे उसको चैंटिंग करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसको छोड़ देना चाहिए, तीन गुणों का संग और भगवत संग करना चाहिए। वन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू वेदर्स विदाउट आर्ग्यूमेंट। हाँ, बिना आर्ग्यूमेंट के वेदों को पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो चार इम्परफेक्शन से जुड़ा हुआ है। कौन से चार इम्परफेक्शन दिया हुआ है? अपूर्ण इंद्रिया, हाँ, धोखा देने का प्रवृत्ति, इल्यूजन, भ्रम और चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने का। तो दूसरा है वो चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये इल्यूजन और कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना, ये हमारा प्रवृत्ति होता है। प्रोपद ने लिखा है, वैसे आपने ईशो मिशन भी डिटेल में पढ़ा होगा तो उसको भी मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा। एंड एवर्जन टू प्रिंसिपल्स ऑफ फॉल डाउन, अगर आप एवर्जन करते प्रिंसिपल तो आप क्या हो जाएंगे? फॉल डाउन है। देयरफॉर रेज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। इसलिए हमको क्या करना है? अपने आपको सत्वगुण में लाना है। ठीक है, इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कल मिलेंगे 17वां अध्याय के साथ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।